गुरूर है खुद पे तो सुन ले, तू बस एक छोटा सा शहर है, तू पूरी कायनात ना बन। तू बस एक छोटा सा शहर है, तू पूरी कायनात ना बन। मुझे पता है मैं बर्बाद हूँ, मैं डूब रहा हूँ, तू बताने वाला मेरा बाप ना बन। हम कुछ अलग है, ढीठ है हम। जब दुनिया सोती है हम जागते हैं, आंखें खोल के सपने देखते हैं। जलने वालों की कमी नहीं, जलने दो जो जलता है। फर्क नहीं पड़ता फर्क मुझे, अपना तो ऐसे ही चलता है। कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। हैबिट को तोड़ने की हैबिट सिखाती है, कहां से आ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कहां पहुंचने की तैयारी है सिर्फ मायने रखता है। ये जिद है। जिम मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगे, वर्कआउट की अहमियत मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगे, वर्कआउट और प्यार में से मैंने कभी भी अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता मगर नमक हर एक के घर होता है। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। सब किसी का हक नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत यहाँ मर्जी की और जरूरत की है, इज्जत की है, आफत की, हिमाकत की, इबादत की, अदालत की है, चाहत की, मोहब्बत है। जंग अपने आप से, न पैसे लिए बाप से, घर वाले परवाह नहीं करते तुमसे, ना हो पाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, तेरे जैसे सपने कोई और ना देख पाएगा, खुद को जितना घिसेगा। जब लोग तुम्हें ये बोले कि तुम पर ये ड्रेस सूट कर रही है तो समझ लेना असर होना चालू हो गया है। सिर्फ ख्वाहिश रखने से बॉडी नहीं बनती, पसीना बहाने से और अच्छी डाइट लेने से बॉडी बनती है। जिस इंसान को ये लगता है कि उसके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे, वो कल भी वही बैठा था, वो आज भी वही बैठा है और वो कल भी वही बैठा रहेगा। यदि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो, उठो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और कर। कोई आता है जब तुम्हें कोई छोड़ जाए तो चले जाने दो, लेकिन अपनी जिंदगी में मेहनत करो और इतना बड़ा बनो कि अगली बार जब वो सामने आए तो तुम्हें देखने की उसकी औकात ना हो। आज सुसाइड करने के 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका, जिम जाओ और अपने शरीर को लोहा बना लो, इतनी मेहनत करो कि कोई दर्द अंदर ही ना जा पाए। दूसरा तरीका, सर से पांव तक इस लड़के में इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, ऐसे पोज कर रहा है जैसे फोटोग्राफर पे भी एहसान कर रहा है।